हिसार से खबर है। यहां पर गांव मुंजातपुर में दलित परिवार की पिटाई का मामला सामने आया। आरोप है कि उपलों को लेकर, गोबर के उपलों को लेकर ये लड़ाई हुई और कुछ दबंगों ने जो है दलित परिवार को इतना पीटा कि बाप बेटी को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। आरोप ये भी कि दबंगों ने लड़की को जबरन गोबर भी खिला दिया और पीड़ित परिवार ने जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार का यह भी कहना है कि उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन जब इस मामले में हिसार अनाज मंडी के चौकी इंचार्ज से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी तक उनके पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। वो एक पटोड़ा बना ले जाता, अपना पटोड़ा था धक्का उसका, मैं मड़न है वापस में लुवाई लुवाई है तकरार की थी, वो छोड़ छुटा कर दी लुवाई है नहीं, वो मेरे आधार कार्ड टूटा आधार कार्ड दलित मर गया। गुड़िया को गोबर खिलाने का मामला भी सामने आ रहा है। हाँ क्या मामला था वो? हमारी गुड़िया को गोबर भी खिला गया। ललित शर्मा हमारे सहयोगी हिसार से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। ललित क्या है ये पूरा मामला? शमित अगर हम बताऊं आपको, ये मामला शनिवार रात का है जब दो जो कास्ट के जो औरतें हैं वो आपस में श्यामला जमीन को लेकर उनका किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें पहले जो दलित वर्ग से जो महिला थी उसने जाट वर्ग की महिला को पीट दिया। उसके बाद बाद में जो अपर कास्ट के लोग हैं उन्होंने दूसरे वाले कास्ट के लोगों को उनके मुंह पर गोबर लगा दिया, इस तरह के आरोप हैं। फिलहाल उसके बाद से उनको पीटने का भी आरोप है। ये मामला शनिवार रात को है। उसके बाद से जो दोनों घायल पक्ष हैं वो सामान्य अस्पताल हिसार में एडमिट किए गए हैं। फिलहाल अगर हम बात करें दोनों मामलों में पुलिस ने FIR रजिस्टर कर दी है और जो दलित वाले मामला है उसमें SC Act के थ्रू भी जो मामला है वो दर्ज किया गया है। फिलहाल अब पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों की तरफ से आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं और फिलहाल जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस केस का पूरा पता नहीं चल पाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जी शामिल, फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आप नजर बनाए रखिए इस मामले पर, अपडेट के लिए दोबारा आपके पास लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया ललित शर्मा।